इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के लिए चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। बता दें कि अक्टूबर महीने में वर्ल्ड बैंक की ओर से GDP ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया गया था, जिसे अब अपग्रेड किया गया है। अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 7.1% रहेगी। साथ ही सरकार ने फिक्स्ड डेफिसिट का लक्ष्य GDP का 6.4% रखा है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इसे पूरा कर लिया जाएगा। The good news, as we will hear in Dhruv's presentation, is that India, whilst being impacted by the global environment like all economies, is in a fairly good position. India is a large economy, by some account the fifth largest economy in the world. दुनिया में मंदी की आहट के बीच भारत की ग्रोथ स्टोरी उम्मीद जगाने वाली है। वर्ल्ड बैंक के अलावा IMF और टॉप रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की ग्रोथ को लेकर अपने अनुमान में जो फेरबदल किया है वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने अपने एस्टिमेट्स GDP के इंडिया FY23 के बढ़ाए हैं 6.5% टू 6.9%, 0.4% से बढ़ाते हुए, और वो कहते हैं कि जो एक रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है लास्ट 3 से 4 महीने में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पर्टिकुलर इंक्रीज को। जो मूडीज है उन्होंने इनफैक्ट डाउनग्रेड किया था, 7.7% पे उनका GDP एस्टिमेट था इंडिया का कैलेंडर ईयर 22 के लिए, अब 7% पे खड़ा है। ये उन्होंने नवंबर 2022 में किया है, और उन्होंने कहा है कि हायर इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट और स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ इसको कंट्रीब्यूट करेगा ये पर्टिकुलर नंबर को। फर्दर IMF ने भी डिक्रीज़ किया है उनका एस्टिमेट 7.4% टू 6.8% किया है FY23 का एस्टिमेट IMF का इंडिया GDP ग्रोथ का, और उन्होंने कहा है कि एक वीक अप्रैल टू जून क्वार्टर जिसमें और एक्सटर्नल डिमांड भी काफ़ी सबड्यूड रहने के वजह से वो पर्टिकुलर नंबर उन्होंने कम कर दिया था 6.8% पे। अब RBI ने अपने एस्टिमेट 7.2% टू 7% किए हैं, और वो है एंड ऑफ सितंबर में किए थे। अब ऑफकोर्स देखना है कि RBI का रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है FY23 ग्रोथ का, जो कि अभी MPC के मीटिंग के बाद पता चलेगा।